हेमंत सोरेन जी का सरकार को गट्टा पकड़ करके हम लोग कुर्सी से उतारेंगे, बस यही बात है। आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। मैं प्रखर होकर के हेमंत सोरेन जी का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। एक बार नहीं 100 बार जेल जाऊंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इरफान सोरेन जी के हाड़ में हरदी लगने वाला नहीं, फिर वो हमारे ऊपर केस कर दें ये अलग बात है, लेकिन मैं अपना ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ, आने वाला जब चुनाव होगा तो इरफान अंसारी के हाड़ में हरदी लगने वाला नहीं है। झारखंड के लगभग 3 करोड़ लोग मेरे ऊपर जो केस हुआ है उससे आपसे नाराज हैं। ये विपक्ष के काम को आप बाधा डाल रहे हैं, और अगर विपक्ष को कोई धारा लगाना होता तो 353 में हम लोग हेमंत सोरेन को बुक कर दिए होते। नगर निकाय में बहाली हुआ और 28 में 17 बाहरी लोगों को आपने नौकरी दे दिया। बाहरे अबुआ सरकार, अबुआ का बबुआ मुख्यमंत्री। हम लोग तो 60-40 नहीं चल तो कर रहे थे, अब तो 60-40 बदल करके 40-60 हो गया। 60% बाहरी लोग यहाँ आकर के नौकरी करेगा तो झारखंड के मूलवासी और आदिवासी झाल बजाएगा क्या? इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही हैं, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बयान इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दिया है और उसके बाद बुरी तरह से फंस गए हैं कहा जा सकता है, क्योंकि भानु प्रताप शाही पर रमना थाना में केस दर्ज हुआ है। क्या बोले थे जिस पर केस हो गया? भाई मैंने तो सार्वजनिक मंच से बोला था, आप लोगों ने उसको नोटिस में लिया है, लाइव दिखाया है। मैंने यही कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार से उब चुकी है और आने वाला समय में हेमंत सोरेन जी का सरकार को गट्टा पकड़ करके हम लोग कुर्सी से उतारेंगे, बस यही बात है। आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। इसमें कहाँ किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग मैंने किया। गट्टा मतलब क्या, कॉलर बोलते हैं? गट्टा कॉलर नहीं बोला जाता, यही तो अफसोस है कि पलामू के भाषा को लोग समझते नहीं है, और पलामू में गट्टा जो है महिला के कलाई बोला जाता है और मर्द का गट्टा बोला जाता है। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी मर्द हैं, इसलिए मैंने उनको गट्टा बोला कि गट्टा पकड़ करके हम लोग उतारेंगे। मतलब कहीं से कोई अफसोस नहीं है आपको? नहीं, नहीं, आप ही बताइए ना, हाथ पकड़ करके अगर आप विपक्ष में हैं बोलते हैं कि नहीं आपको हाथ पकड़ करके कुर्सी से हटा देंगे, तो ये कहाँ से मतलब ऐसा हो गया कि इस पर जाति सूचक शब्द लग जाए, इस पर SC ST लग जाए। अगर ऐसे कानून का दुरुपयोग होने लगेगा तो मुझे लगता है ये धरती को फट जाना चाहिए फिर, और सारे लोगों को उसमें चला जाना चाहिए। मतलब लग रहा है कि आप खुलकर बोलते हैं सरकार के खिलाफ, यही वजह है कि केस दर्ज हुआ? आप मुझे खुल करके, ये मेरा बाईबॉर्न नेचर है, मेरे पिताजी भी बोलते थे बिहार विधानसभा में, आज मैं बोलता हूँ, ये मेरा बाईबॉर्न नेचर है, और जिसके अंदर जो ब्लड होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। मैं प्रखर होकर के हेमंत सोरेन जी का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। एक बार नहीं 100 बार जेल जाऊँगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने व्यक्तिगत या जातिगत उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, मुख्यमंत्री के नाते मैंने उनको बोला है और आगे भी मैं बोलूँगा। मतलब सरकार में है, गद्दी पर है, इसलिए बोल? हाँ बिल्कुल, सरकार में है, गद्दी पर है, और उनको इतना पेशेंस होना चाहिए। पॉलिटिक्स में अगर पेशेंस नहीं है, कल मैं सरकार में रहूँगा या कल आप विपक्ष में थे तो आप क्या बोलते थे? आपने तो यहाँ तक बोला ना कि भाजपा के लोगों को लाठी डंडा से पीट पीट करके झारखंड से भगाएंगे, मैंने ऐसे शब्द का तो उपयोग नहीं किया। तो ये मुख्यमंत्री जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज झारखंड के लगभग 3 करोड़ लोग मेरे ऊपर जो केस हुआ है उससे आपसे नाराज हैं। ये विपक्ष के काम को आप बाधा डाल रहे हैं, और अगर विपक्ष को कोई धारा लगाना होता तो 353 में हम लोग हेमंत सोरेन को बुक कर दिए होते। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हाथ पकड़ कर उतार देंगे, जो गट्टा आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? आप देखिए, मैं गांव से आता हूं, 500 रुपये ट्रैक्टर बालू आज 5,000 का, 6,000 का, 8,000 का हो गया, गरीब को बालू नहीं मिल रहा। 65% कमीशन मनरेगा में मिल रहा है, लग रहा है पूरा भ्रष्टाचार ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, दरोगा के यहाँ पूरा एकदम भ्रष्टाचार से त्राही त्राही लोग कर रहा है। अबुआ आवास 50,000 रुपया लेकर के बेचे जा रहे हैं, सारे लोगों में आक्रोश है। आप देखिए ना, अभी 28 लोगों का नगर निकाय में बहाली हुआ और 28 में 17 बाहरी लोगों को आपने नौकरी दे दिया। बाहरे अबुआ सरकार, अबुआ का बबुआ मुख्यमंत्री, 28 में 17। हम लोग तो 60-40 नहीं चल तो कर रहे थे, अब तो 60-40 बदल करके 40-60 हो गया। 60% बाहरी लोग यहाँ आकर के नौकरी करेगा तो झारखंड के मूलवासी और आदिवासी झाल बजाएगा क्या? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग तो स्थानीय नीति यहाँ से 1932 वाला भी पास करके भेजे, लेकिन राज्यपाल रोक कर रखे हैं। ये कोई बात हो गया? आप बाहर के लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको आप आकर के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्थानीय नीति हमने बना दिया। कैसा नीति बनाया आपने भाई?
वो तो बना के भेजे हैं सेंट्रल से। पुरानी नीति भी आप बनाइएगा तो इतनी संख्या में बाहरी लोग नहीं आएंगे। इसका मतलब आपने जो दरवाजा है ओपन ऑफ ऑल कर दिया है, जिससे झारखंड के युवा और युवतियों में काफी आक्रोश है, छात्रों में काफी आक्रोश है। अगर 60% बाहर के लोग नौकरी करेगा तो ये झारखंड 40% लोगों के लिए बनाए क्या? हाँ, मैं मानता हूँ चलिए भाई बाहर के लोग भी आए, बड़े नौकरी में आए, आना भी चाहिए, या उनको पूरे देश हमारा है 10%, 15%, 20% मैक्सिमम। लेकिन आप जो है 60-60% बाहर के लोगों को दे रहे हैं, और आप तो 1932 के खतियान को बात करते थे, स्थानीय का बात करते थे, और आप पेशा कानून का बात करते थे, कहाँ चला गया ये सारा कानून? तो आज झारखंड के मूलवासी आदिवासी हेमंत सोरेन से आज ये सवाल कर रहा है, और आने वाला समय में इसका गुस्सा उनके खिलाफ वोट दे करके उनकी सरकार को हटा करके लेगा। इरफान जी का भी बयान आया है, आप जिस तरह से मुख्यमंत्री पर बोले, कह रहे हैं कि हम तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अभी नहीं बोल सकते, नहीं तो बानू जी को ठंडा कर देते। देखिए, इरफान जी को ठंडा करने के लिए तो मुझे लगता है हमारा जो उनका विधानसभा है वहाँ के लोग काफ़ी है। आने वाला समय में इरफान सोरेन जी के हाड़ में हरदी लगने वाला नहीं है, फिर वो हमारे ऊपर केस कर दें ये अलग बात है, लेकिन मैं अपना ठेठ भाषा में बोल रहा हूँ, आने वाला जब चुनाव होगा तो इरफान अंसारी के हाड़ में हरदी लगने वाला नहीं है, वो अपना जमानत बचाना भी उनको मुश्किल हो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.